नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। घोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय ने कोविड मरीजों को सहायता पहुंचाने के अपने प्रयास को तेज कर दिया है। इनकी ओर से गठित मेडिकल टीम ने मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई हैं। लोकसभा घोसी सांसद अतुल राय की तरफ से जारी सहायता के क्रम में रविवार को नगर के भीटी में घर घर जाकर पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा टेलीमेडिसिन के तहत 260 मरीजों का ऑक्सीजन, तापमान, ब्लड प्रेशर, पल्स के साथ साथ डॉक्टरों के परामर्श पर निशुल्क दवा दी गई। लाभ लेने वाले मरीजों में मोहम्मद आजिम, हेमा सुभावती, दीपक कैलाश चौधरी, शिवम राय, सिराज जयराम, कमलेश बिंद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। 6 परिवारों में तो परिवार के सभी सदस्यों को कोविड किट दी गई। घर घर जाकर मरीजों की देखभाल करने तथा दवा वितरण में सभासद राजीव सैनी का भी सहयोग रहा। 28 अप्रैल से अब तक कोसी लोकसभा में 2900 लोग टेलीमेडिसिन सर्विस का लाभ उठा चुके हैं। पैरामेडिकल टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिस हिसाब से बच्चों में भी संक्रमण की संभावना व्यक्त की जा रही है, इस कारण सांसद के निर्देश पर टेलीमेडिसिन पैनल में पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग से समय और फोन नंबर भी जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे घोसी लोकसभा के लोग अपने बच्चों को इस महामारी से बचा सकेंगे। साथ ही हर रविवार को शहर के साथ साथ गांव में भी पैरामेडिकल टीम घर घर जाकर जांच के साथ निशुल्क दवा का उपलब्ध कराएगी। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मैं गोपाल राय, सांसद जी। सर, किस प्रकार कार्यक्रम किया गया, क्या उद्देश्य? सांसद जी की तरफ से जब से कोरोना काल चल रहा है, पिछले कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, जब लोगों को राशन की आवश्यकता थी, उन्होंने राशन वितरण का काम किया, लेकिन आज की प्रतिक्रिया में लोगों को दवा और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सांसद जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे पास टोल फ्री नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, हम एम्स के डॉक्टरों से आपकी बात कराएंगे। हमारे पास डॉक्टरों का एक पैनल है, जब डॉक्टर जो भी दवा आपको बताएंगे, वो हमारे लोग आपके घर पहुँचाने का कार्यक्रम है। तो क्या चारों विधानसभाओं में कर रहे हैं, केवल पूरे लोकसभा में नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसी क्रम में आज हम लोगों ने बस्ती बस्ती जाने का कार्यक्रम किया है। लगातार हम बस्तियों में जाएंगे, जैसे जिन बस्तियों में लोग नहीं पहुंच पा रहे, वहां पहुंच के हम पैर चेक कराएंगे, उनको जिस दवा की आवश्यकता होगी दवा। किस प्रकार की जाँच की जा रही है और कैसे?